जिन्हें राधा का अवतार भी माना जाता है, वह एक महान संत, हिंदू रहस्यवादी कवि और भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में जानी जाती हैं। वह भगतमाल काव्य में वर्णित भक्ति आंदोलन के एक मुख्य पात्र के रूप में व्यापक रूप से विख्यात हैं। भक्तमाल ब्रजभाषा में लिखित एक काव्य संग्रह है, जिसमें 200 से अधिक भक्तों का लघु जीवन ग्रंथों का वर्णन है। मीराबाई के जीवन दर्शन का बहुत ही महत्व और प्रासंगिक है, क्योंकि उनके जीवन की कहानी उन मिथ्या मान्यताओं का खंडन करती है, जो यह बताती है कि प्राचीन समय में भारतीय महिलाओं के लोक जीवन में रचनात्मकता का अभाव था। उनका जीवन भारतीय महिलाओं के बारे में आम धारणा को पुष्ट करता है कि भारत में महिलाओं का जीवन मात्र विवाह करना, अपने घर को बसाना और पारिवारिक जीवन को समर्पित करना जैसे घरेलू दायित्वों और कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं रहा है। मीराबाई का जीवन भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से भक्ति परंपरा में विषम परिस्थितियों में भी भारतीय नारी की शक्ति, भक्ति की शक्ति और उसकी अविरल रचनात्मकता की विरासत और संभावनाओं के बारे में एक अतिरिक्त माध्यम जोड़ता है। यद्यपि मीराबाई की सटीक जन्मतिथि के बारे में कोई प्रामाणिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन विद्वानों ने मध्यकालीन साहित्य के माध्यम से मीराबाई की जन्मतिथि बताने का प्रयास किया है। ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेडटा के कुरकी गांव में हुआ, जो राजस्थान राज्य के एक सामंती राज्य था। वह राजा राव दूदाजी के छोटे बेटे रतन सिंह राठौर की बेटी थी। रतन सिंह ने अपना अधिकांश समय मुगलों से लड़ने में घर से दूर बिताया। युद्ध में लड़ते हुए कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई की मां की भी मृत्यु उस समय हो गई जब मीरा लगभग 7 साल की थी। इसीलिए इस बच्चे के रूप में मीरा को कम माता पिता की देखभाल और स्नेह मिला। मीरा को उनके दादा राव दूदाजी ने पाला था। उनसे मीरा ने धर्म, राजनीति और सरकार की शिक्षा प्राप्त की। वह संगीत और कला में भी अच्छी तरह से शिक्षित थी। मेडटा के राठौर विष्णु के भक्त थे। वैष्णव प्रभाव के बीच मीराबाई का पालन पोषण हुआ, जिसके कारण उनका मन भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति के मार्ग में रंग गया। उन्होंने बचपन से ही श्री कृष्ण की पूजा करना सीख लिया था। जब वह 4 साल की थी, तब उन्होंने अपनी धार्मिक प्रवृत्ति प्रकट की। एक बार उनके निवास के सामने एक बारात आई। दूल्हा अच्छी तरह से सजा धजा तैयार था। मीरा, जो एक अभूत बच्ची थी, ने दूल्हे को देखा और अपनी माँ से बाल सुलभ प्रश्न पूछा, प्रिय माँ, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा की माँ मुस्कुराई और श्री कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी प्यारी मीरा, भगवान कृष्ण, यह सुंदर छवि आपका दूल्हा है। कुछ समय बाद एक विचरण करने वाले ऋषि मीरा के पास आए। उनके साथ भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी। गढ़ शहर छोड़ने से पहले उन्होंने मूर्ति को मीरा को सौंप दिया। उन्होंने यह भी सिखाया कि कैसे भगवान की पूजा करें। मीरा प्रसन्न थी। वे बाल कृष्ण की मूर्ति से बहुत प्रेम करने लगी। वह अपना अधिकतर समय मूर्ति को नहलाने और उसे सजाने संवारने में लगाती रही। मीरा उस प्रतिमा की पूजा करती, छवि के साथ सोती थी। वह
छवि के सामने सुंदर गीत गाती थी, वह मूर्ति से बात करती थी। अपनी माँ के कहे शब्दों को याद करते हुए मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति की सेवा अपने पति के रूप में करने लगी। समय बीतता गया और मीरा का अपने भगवान के प्रति समर्पण इस हद तक बढ़ गया कि वह स्वयं को उनके साथ विवाहिता के रूप में देखने लगी। उनके पिता ने मीरा की शादी मेवाड़ में चित्तौड़ के राणा कुंभा के साथ कर दी। मीरा एक कर्तव्य परायण पत्नी थी, वह अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती। अपने घरेलू कर्तव्यों के समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती, पूजा करती, गीत गाती और प्रतिदिन उनकी छवि के सामने नृत्य करती। छोटी मूर्ति उठाती, मीरा उसे गले लगाती, बांसुरी बजाती और उनसे बातें करती। धीरे धीरे मीरा अपनी साधना के लिए अधिक समय देने लगी। वो नृत्य करती और मंदिर में देवता के सामने घंटों भजन गाती। भक्त उनके गीतों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। फिर मीरा वृंदावन चली गई। वहाँ उन्होंने एक साध्वी के रूप में अपना जीवन बिताया और कविताओं को लिखने, अन्य ऋषियों के साथ प्रवचन करने और उनके साथ संवाद करने का कार्य किया। उन्होंने भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों पर जाकर तीर्थ यात्रा भी की। उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उन्होंने अपने अंतिम दिन द्वारिका में गुजारे, जहां भगवान कृष्ण और उनके वंश को मथुरा में उनके मूल घर को छोड़ने के बाद रहने को कहा गया था। यहां 1547 में मीराबाई ने अपने प्रभु के साथ एकजुट होने के लिए अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। यह ठीक से ज्ञात नहीं है कि मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई। लोक कथाओं के अनुसार वह भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई और उनके साथ एक हो गई। मीरा जैसे अद्भुत व्यक्तित्व के समानांतर दूसरा उदाहरण खोजना बहुत मुश्किल है। मीरा एक संत, एक दार्शनिक, एक कवि और एक ऋषि होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न एक विलक्षण व्यक्तित्व की महिला थी। वह एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने अपने उच्च लक्ष्यों के लिए सुख और विलासिता को छोड़ दिया। उन्होंने गरीबी, तपस्या, त्याग और वैराग्य का जीवन चुना। यद्यपि वह एक कोमल युवती थी, लेकिन विभिन्न कठिनाइयों के बीच उन्होंने आध्यात्मिक पथ का कठिन यात्रा का मार्ग चुना। वह अदम्य साहस और निडरता के साथ कई समकालीन परीक्षाओं से गुजरी। वह अपने संकल्प में अड़ी रही। उनके पास एक विशाल इच्छा शक्ति थी। आज मीराबाई को भारत की महान महिला संतों में से एक माना जाता है और उनके भजन आज भी गाए जाते हैं। इसके अलावा उनके सम्मान में सैकड़ों गीत रचे गए हैं और उनके लिए समर्पित त्यौहार हैं जो राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में दशहरा के समय मनाए जाते हैं। मीरा आज भी भारतीयों के हृदय में जीवित हैं।